फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के कुछ रैंडम सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां एक लड़का जिसका नाम पाशा होता है, वो मशीन गन लेकर सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ जा रहा होता है। छत पर पहुंचने पर वो बहुत ही सहमा हुआ नजर आता है और बिल्डिंग के नोक पर जा खड़ा होता है। पीछे पलटने पर उसकी नजर अनजान कारण से सूरज पर अटक जाती है। उसके बाद मानो उसे क्या हो जाता है कि वो सीधे बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, पर नीचे गिरते उसकी चटनी बनने से पहले उसकी आंखें झटाक से बेड पर खुलती है और वो बेड से नीचे गिर जाता है। और अब हमें पता चलता है कि पाशा ने सिर्फ एक बुरा सपना देखा था। पाशा की माँ उसका शोर सुनकर कमरे में आती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर पाशा कहता है कि उसने सिर्फ एक बुरा सपना देखा। दरअसल पाशा एक कुरियर बॉय है जो रशिया की मॉस्को सिटी में रहता है और उसे ये सपना कई दिनों से आ रहा है। अगले सीन में हम पाशा को पार्सल डिलीवर करते हुए देखते हैं, जहां वो शहर के अलग अलग हिस्से में एक कुरियर पहुंचाता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिस पोस्टर में डाना लिखा होता है और एक लड़की की तस्वीर भी बनी होती है जिसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा होता है और उसके गले पर कोई अजीब सा टैटू बना होता है। इसी तरह जब वो ट्रेन से शहर के किसी दूसरे हिस्से में जा रहा होता है तो फिर से उसे एक फोटो में वही टैटू दिखता है जिस पर रशियन लैंग्वेज में लिखा होता है। पाशा को ऐसा लगने लगता है कि जैसे पोस्टर वाली लड़की उससे मदद मांग रही हो। पाशा अब एक होटल में पार्सल डिलीवर करने जाता है कि तभी एक लड़की आती है जिसने रेनकोट पहना हुआ होता है, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, और पाशा की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ जाती है। वो लड़की रिसेप्शन पर पैसे जमा करके अपने रूम की चाबी लेकर वहां से जाने लगती है कि तभी पाशा पीछे मुड़ता है और वो लड़की अपने रेनकोट को नीचे करती है, जहां पाशा नोटिस करता है कि उसके गले के पीछे वही टैटू है जो उसने कुछ देर पहले पोस्टर पर देखा था। पाशा अब होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे उस लड़की का रूम नंबर मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी बुलाने का धमकी देता है। अब पाशा उसे अपने पास रखे सारे पैसे देता है और बताता है कि ये लड़की पॉप सिंगर डाना है और अगर उसे इस बात पर शक हो तो वो इंटरनेट पर चेक कर सकता है। इंटरनेट पर चेक करने के बाद और पाशा के पैसे लेकर रिसेप्शनिस्ट उसे डाना का रूम नंबर बता देता है, जिसके बाद हम रिसेप्शनिस्ट को किसी को कॉल करते हुए देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट के जरिए उसने देख लिया होता है कि डाना का पता बताने वाले को बहुत सारे इनाम में पैसे मिलेंगे। आप सीन किसी अनजान लोकेशन की तरफ मुड़ जाती है, जहां कुछ लोग एक ताबूत लेकर आते हैं जिसके अंदर से एक भयानक क्रीचर निकलता है जिसे वो खून से भरा हुआ एक पैकेट पीने के लिए देते हैं। फिर तभी कहीं से कबूतर वहां आ जाता है और खून पीने के बजाय वो क्रीचर उस कबूतर को खा जाता है, जिसके बाद उस क्रीचर का चेहरा इंसानों की तरह हो जाता है। दरअसल ये क्रीचर गौल्स या ओल्स होते हैं जो वैम्पायर की तरह होते हैं और सिर्फ रात में ही निकलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इनके लिए जानलेवा होती है। दूसरी तरफ पाशा डाना के रूम के पास जाता है, जहां एक सरदार जी हिंदी में बात करते हुए दिखाई देते हैं। पाशा डाना का दरवाजा नॉक करता है, जिस पर डाना चाकू लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और पास आकर पूछती है कि बाहर कौन है, जिस पर पाशा बताता है कि वो मॉस्को एक्सप्रेस डिलीवरी की तरफ से आया है, लेकिन डाना ये बोलकर दरवाजा नहीं खोलती कि उसे कुछ नहीं चाहिए। पाशा उसे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसने डाना को पहचान लिया है। तब एक होटल में दो लोग आ चुके होते हैं जिन्हें रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके बुलाया होता है। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका नाम मिखेल होता है रिसेप्शनिस्ट को पैसे देता है और दूसरे आदमी का नाम यांकुल होता है और ये वही गोल होता है जिसने कबूतर को खाया था। इधर पाशा डाना से कहता है कि उसने डाना को अपने सपनों में देखा है, जिसके बाद डाना दरवाजा खोल देती है और पाशा से पूछती कि क्या वो एक वॉरियर है, और तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आती है जिसमें से वही दोनों गोल बाहर आते हैं और मिकेल पाशा को बहुत जोरदार लात मारता है, जिससे पाशा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। दोनों गोल्स डाना को प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। डाना अपने चाकू का इस्तेमाल करके उनसे बचती है, पर तभी एक तीसरी गोल नेम स्टेफानिया वहां आ जाती है और तीनों मिलकर डाना को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो डाना को लेके जा ही रहे होते हैं कि डाना मार्शल आर्ट्स के कुछ करतब करते हुए उनके चंगुल से छूट जाती है, लेकिन मिकेल अब उसका गला दबाने लगता है, पर पाशा किसी तरह रिकवर करके रूम सर्विस की ट्रॉली की मदद से मिकेल की पकड़ से डाना को छुड़ाकर भाग जाता है। पर तब तक वहाँ कुछ अंडरकवर एजेंट्स भी आ जाते हैं जिनका काम इसी तरह के क्रीचर से लड़ने का होता है, जिनका बॉस कमांडर गामायून होता है। यांकुल मिकेल को डाना के पीछे जाने को बोलता है और वो स्टेफानिया के साथ इन एजेंट से लड़ता है।
कमांडर गामोयन बहुत सी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो गोल्स बहुत ही तेज होते हैं, इसलिए गोलियों से आसानी से बच जाते हैं। तब तक डायना और पाशा होटल की छत पर पहुंच चुके होते हैं और डायना होटल से छलांग लगाने के लिए तैयार होती है और पाशा से सवाल करती है कि क्या वो साथ नहीं आएगा, जिस पर पाशा होटल की बिल्डिंग से नीचे दिखता है, जो ऊंचाई देखकर वो एकदम डर जाता है, इसलिए वो वहीं रुककर उन्हें यानी कि गोल्स को रोकने की बात करता है। लेकिन वहां मिकेल आ जाता है और पाशा पर हमला कर देता है, जिससे पाशा पास में रखे ट्रॉली के ऊपर जाकर गिरता है। मिकेल अब ऊंचाई से छलांग लगाता है और पाशा के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि पाशा बचने के लिए उस ट्रॉली को ऊपर की तरफ उठा देता है, जिसके लेग्स उसके शरीर के पार हो जाते हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। डायना पाशा से कहती है कि वो एक वॉरियर है और उसकी रक्षा करने के लिए उसे किस भी करती है, साथ ही उसका नाम भी पूछती है और ये भी कि वो किस क्लैन से है, जिस पर पाशा अपना नाम रिवील करता है और कहता है कि वो कुरियर बॉय है, जिसके बाद डायना बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ गोल्स और एजेंट्स की लड़ाई चल रही होती है, जहां सभी ने मिकेल की चीखें सुन ली होती है, जिसके बाद स्टेफानिया और यांकुल ऊपर छत पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि यांकुल पाशा पर हमला करे, कमांडर गामायुन अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और दोनों गोल्स वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन टीम होटल में आती है और किसी विशेष तरह का स्प्रे मारकर सबकी यादें भुला देती है। अगले दिन पाशा फिर उसी होटल आता है और चुपके से डायना के रूम में घुस जाता है, जहां बाथरूम से उसे डायना का ब्रेसलेट मिलता है। यहां हमें ये पता चलता है कि उस स्प्रे से किसी कारण से पाशा की यादें नहीं मिटी। पाशा अब डायना का ब्रेसलेट लेकर वापस आने ही लगता है कि तभी लिफ्ट में उसे कमांडर गामायुन मिलते हैं और उसे लेकर किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे दिखने वाले रूम में ले जाते हैं, जहां की दीवारें मिरर यानी कि आईने की बनी होती है। कमांडर गामायुन उसे बताते हैं कि वो फेडरल डिफेंस एजेंसी के डिपार्टमेंट डी में काम करते हैं और पाशा को भी ज्वाइन करने को कहते हैं, क्योंकि पाशा ने गोल को मारा होता है। पाशा शुरू में उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन थोड़ा कठोर होने पर वो मान जाता है। पाशा पूछता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने डायना पर हमला किया, जिस पर कमांडर गामायुन बताते हैं कि वे अंडरग्राउंड के जीव हैं और मॉस्को शहर में इनकी 40 प्रजातियां पाई जाती है। कल जिन्होंने हमला किया वो गोल थे और रात में ही निकलते हैं क्योंकि उन्हें धूप बर्दाश्त नहीं होती, जिस पर पाशा कहते हैं कि वो वैम्पायर्स थे। लेकिन कमांडर गामायुन कहते हैं कि वैम्पायर सिर्फ हॉलीवुड में होते हैं, यहाँ दरअसल गोल्स हैं। जिसके बाद कमांडर गामायुन पाशा को एक फाइल देते हैं जिसमें डायना की फोटो होती है, जो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा के जमाने की होती है। इसका मतलब ये भी कि डायना भी गोल है, पर वो कोई साधारण गोल नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है। कमांडर गामायुन पाशा से उसके सपने के बारे में पूछते हैं, जिस पर पाशा ये सवाल करता है कि क्या उसके पेरेंट्स भी क्रीचर है। कमांडर गामायुन कहते हैं कि शायद दादा या दादी कोई क्रीचर रहे होंगे। अगले ही दिन पाशा डिफेंस एजेंसी को ज्वाइन करता है और कमांडर गामायुन उसे थोड़ा बहुत लड़ना सिखाते हैं, जिसके बाद वो उसे लेकर शहर के किसी भीड़ वाले इलाके में ले जाते हैं और पाशा से कहते हैं कि अपने आसपास देखो और किसी क्रीचर को ढूंढो। पाशा अब आसपास देखता है और एक आदमी की तरफ बढ़ता है, जबकि कमांडर गामायुन की नजर पास ही पेंटिंग कर रहे एक व्यक्ति पर आती है, जो वहां से अब भागने लगता है, जिसका पीछा करके कमांडर गामायुन उसे पकड़ लेते हैं और पाशा भी उनके पीछे पीछे वहां आ जाता है। वो लोग उस क्रीचर जो कि एक गोब्लिन होता है उससे जानकारी निकालते हैं कि यांकुल प्रिंसेस डायना के पीछे क्यों पड़ा है, जिस पर वो गोब्लिन जवाब देता है कि ब्लड मून वाले दिन यांकुल प्रिंसेस डायना का ब्लड पिएगा, जिससे यांकुल को दिव्य शक्ति मिल जाएगी, जिससे वो दिन में भी निकल सकता है और उस पर सूरज का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद कमांडर गामायुन पाशा को लेकर एक चाइनीज क्रीचर ली वॉन के पास ले जाते हैं, जहां ली वॉन पाशा से कहती है कि अपने दिल की सुनो, तुम डायना तक पहुंच जाओगे, और पाशा को कुछ विजन्स भी दिखाती है। विजन में पाशा एक टनल देखता है जिसके अंदर एक रूम में डायना बैठी होती है, लेकिन जैसे वो उसका नाम पुकारता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो डायना नहीं बल्कि यांकुल होता है, जो पाशा पर टूट पड़ता है। लेकिन ली वॉन उसे सही मौके पर उसके विजन से बाहर निकालती है। अगले सीन में हम कुछ एजेंट्स और कमांडर गामायुन को पाशा के साथ किसी टनल में देखते हैं, जहां पाशा अपने दिल की सुनता है और डायना को ढूंढ ही निकालता है। डायना एकदम खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर एजेंट्स भी आ जाते हैं और डायना को घेर लेते हैं। डायना पाशा पर गुस्सा करती है और कहती कि उसने उस पर भरोसा किया था, लेकिन सभी डायना को पकड़कर ट्रेन से कहीं ले जाते हैं। अब जब ट्रेन एक टनल से होकर गुजरता है तो उस पर गोल्स का हमला होता है, जहां उनका लीडर यांकुल और स्टेफानिया भी होते हैं। यहां
अब घमासान युद्ध होता है और फिर से कमांडर गामियोन की गोलियां से गाउल्स बहुत ही आसानी से बच जाते हैं। इतने में कमांडर गामियोन की टीम का एक एजेंट स्टेफानिया के हाथ पर हथकड़ी लगा देता है और तभी कमांडर गामियोन एक बहुत बड़ी गन निकालते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जिसमें बहुत से गाउल्स मारे जाते हैं। इन गोलियों से डरकर कमांडर गामियोन का एक टीम मेंबर जिसने काले चश्मे लगाए हैं और जो बहुत मोटा होता है वो एकदम डर जाता है और कोने में चुपकर बैठ जाता है। पाशा अब ट्रेन की स्पीड बढ़ाता है जिससे वो जल्दी टनल से बाहर आ सके और सारे गोल्स की सूरज की रोशनी से जान जा सके। लेकिन एक गोल पाशा को ऐसा करने से रोकता है जिसे कमांडर गामियोन अपने गोली का शिकार बनाते हैं। इधर कमांडर गामियोन की गोली खत्म हो चुकी थी जिस पर यांकुल इवल स्माइल देता है कि तभी सब देखती कि ट्रेन टनल से बाहर ही आने वाली है और यांकुल स्टेफानिया को बांधा हुआ छोड़कर वहां से अपने बचे हुए साथियों के साथ भाग जाता है। और जैसे ही ट्रेन के अंदर सूरज की रोशनी पड़ती है पाशा डाना को एक कोट से ढक लेता है जिससे वो बच जाती है, लेकिन स्टेफानिया धूप के रोशनी से मारी जाती है। अब कमांडर गामियोन डाना को अपने सीक्रेट फैसिलिटी में कैद कर देते हैं जिसकी निगरानी के लिए पाशा को छोड़कर जाते हैं, क्योंकि शाम होते ही यांकुल और उसके साथियों ने शहर के बहुत से नाइट क्लब्स में हमला कर दिया होता है जिससे सभी इंसान गोल्स बन रहे होते हैं। कमांडर गामियोन अपने टीम के साथ जाकर हाल ही में बने हुए गोल्स को पकड़ते हैं और कई यांकुल के बनाए गोल्स का शिकार करते हैं। इधर पाशा जो डाना के साथ अकेला होता है उसे तभी कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वो डाना को आजाद करके उसके साथ भागता है। वो बाहर जा ही रहा होता है कि उसे यांकुल और उसके गोल्स घेर लेते हैं और उसे घायल करके डाना को साथ ले जाते हैं। कमांडर गामियोन वापस आते हैं और सब कुछ जानने के बाद उसका माथा सनक जाता है और वो पाशा को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें एक सुअर दिखता है जिससे वो सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिरकार यांकुल को कैसे पता चला कि डायना कहाँ है। पाशा अब भी डायना की मदद करना चाहता है इसलिए वो उसी चाइनीज लड़की लीवॉन को बुलाता है जिसने पाशा को विजन्स दिखाए थे। लीवॉन के आते ही अब वो पाशा को फिर से विजन्स दिखाती है। दूसरी तरफ हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं जो कमांडर गामियोन की टीम में था जिसे यांकुल ढेर सारे पैसे दे रहे होते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि इसी ने गद्दारी करके यांकुल का डाना का पता बताया था। कमांडर गामियोन उस मोटे आदमी को अपनी टीम के साथ घेर लेते हैं और देखते ही देखते वो मोटा आदमी बहुत ही बदसूरत सुअर में बदल जाता है और तुरंत भागने लगता है जिसे आखिरकार सभी पकड़ लेते हैं। इधर पाशा फिर से एजेंट्स की सीक्रेट लोकेशन पर जाता है जहां उसे सेकंड आईएस कमांडर मिलता है जो पाशा को गन्स देता है, क्योंकि पाशा उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसे डायना की लोकेशन का पता है। भारी भरकम हथियार से लैस पाशा उस जगह पहुंचता है जहां डायना कैद है और आज रात को जब ब्लड मून निकलेगा तब यांकुल डायना का खून पीकर सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। पाशा सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता है और इसी जगह को पाशा अपने सपनों में कई बार देखा था। सीढ़ियां चढ़कर और लिफ्ट से होकर उसका सामना यांकुल के गोल से होता है जो पाशा पर भारी पड़ता है, लेकिन पाशा किसी तरह उसके मुंह में लहसुन डाल देता है जो वो अपने साथ लाया था, क्योंकि वैम्पायर्स और गोल की कमजोरी सूरज और चांदी के बजाय लहसुन भी होती है। कुछ गोल्स को बंदूक की मदद से तो कुछ को अपने जूतों में लगे चांदी के चाकू से मारकर वो डाना को बचाने के लिए यांकुल के पास ऊपर छत पर पहुंचता है जहां ब्लड मून होने ही वाला था और यांकुल डाना का खून पीने वाला था। लेकिन पाशा उस पर गन से हमला करता है जिसको यांकुल बहुत ही आसानी से रोक देता है और पाशा को बहुत मारता है। अंत में पाशा अपने सपनों को याद करता है जहां वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और वो भागकर यांकुल को पकड़कर छलांग लगा देता है और नीचे गिरते हुए चांदी के चाकू से यांकुल को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो नीचे एक वैन के ऊपर गिरता है पर उसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है जहां कमांडर गामियोन पाशा की माँ और सेकेंड आईएस कमांडर भी होते हैं। पाशा अपनी माँ को जाने के लिए कहता है और कमांडर गामियोन से पूछता है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी वो कैसे बच गया, जिस पर कमांडर गामियोन बताते हैं कि उसे डायना ने बचाया। दरअसल उसकी जान निकलने ही वाली थी कि डायना ने उसे काट कर उसमें भी जान लाने के लिए उसे भी गाउल में बना दिया, इसलिए उसकी जान बच सकी। मूवी के आखिरी सीन में हम शाम का सीन देखते हैं जहां डायना और पाशा के एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।